अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज की वीडियो में टुडे आई एम शेयरिंग हाउ टू यूज़ माई फिटनेस वर्ल्ड ऐप। सो सबसे पहले जो है आपने इस ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना है। जो मैंने रीसेंट वीडियो अपलोड की थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा ईजीली, वहाँ से जाके आप इसको ओपन करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है और उसके बाद जो है आपने अपना प्रोफाइल बनाना है, आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है माई फिटनेस वर्ल्ड ऐप का, और अपनी एज, हाइट और वेट जो है फिल करना है पूरा। और उसके बाद जो है वो आपको पर डे कैलोरीज बताएंगे कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं पर डे और मैक्रोज के अकॉर्डिंग। तो माई फिटनेस वर्ल्ड ऐप जो है ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो जब वो आपको आपकी कैलोरीज बता देंगे और आपने जो भी वेट लूज करना है या गेन करना है और आप कितने एक्टिव हैं डे में, सारी इन्फॉर्मेशन देके उसके बाद आपको आपकी पर डे कैलोरीज बता देंगे। तो मेरी जो है 1288 कैलोरीज हैं पर डे मैंने लेनी है। तो ये ऐप है, इसमें जो है आप पोस्ट भी कर सकते हैं, कुछ कॉमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ जो है डायरी का ऑप्शन है। इसमें जो है आपने ब्रेकफास्ट का ऑप्शन होगा, लंच का, डिनर का, स्नैक का और वाटर इंटेक का। तो आपने इसमें ऐड फूड करके जो भी आपने खाया ब्रेकफास्ट में आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने मैक्रोज के अकॉर्डिंग। तो इससे ये होता है कि आप बैलेंस डाइट में रहते हैं और कैलकुलेटेड खाना खाते हैं, और जितने आपको वेट लूज़ करने के लिए कैलोरीज बताई गई हैं इस ऐप के मुताबिक और मैक्रोज के अकॉर्डिंग जो है वो आप फूड जो है ऐड करेंगे और वेट अपना लूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब कैलकुलेटेड खाना खाएंगे आप और इस तरीके से आपका वेट भी कम होगा। और बहुत अच्छा ऐप है ये, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये वेट लूज़ करवाने में, क्योंकि आपने सारी कैलकुलेशन करके खाया हुआ होता है कि आपने इतनी कैलोरीज पर डे में लेनी ही लेनी है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ से आप लंच में ऐड कर सकते हैं जो भी आपने खाया है, और डिनर में जो खाया है, स्नैक जो भी लिया है, और आपकी वाटर इंटेक कितनी है। और इसके साथ साथ जो है ये आपको आपके स्टेप्स भी बताता है कि आपने कितने स्टेप्स लिए हैं दिन में, और जो भी आपने एक्सरसाइज भी की हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं जो हूँ फिलहाल कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही, ना वॉक कर रही हूँ, मैं जस्ट डाइट कर रही हूँ और कैलकुलेटेड डाइट कर रही हूँ और ये वाला ऐप यूज़ कर रही हूँ। और पहले भी मैंने जब डाइट स्टार्ट की थी तो मैंने यही वाला ऐप यूज़ किया था और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो आप लोग भी इसको डाउनलोड करें और यूज़ करें इस ऐप को, ये आपको काफ़ी मदद करेगा आपका वेट जो है लूज़ करवाने में। और मतलब ये कि आप कैलकुलेटेड, हर चीज़ कैलकुलेटेड होगी आपकी। तो इसके अलावा जो है ये जो एक्सरसाइज कॉपी, इसको आपने ऊपर कर लेना है, आप इसमें आपके मैक्रोज बता दिए जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जो है मैंने ब्रेकफास्ट और लंच की एंट्री की है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें उन्होंने मेरे मैक्रोज जो है 161 ग्राम जो है मैं कार्ब्स ले सकती हूँ पर डे, लेकिन क्योंकि मैंने अभी सिर्फ नाश्ते की और लंच की एंट्री की है तो मेरे कार्ब्स टोटल हुए 96। अभी मैं और भी कार्ब्स ले सकती हूँ, मुझे 161 लाजमी लेने ही लेने हैं। कम तो हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे योग आपका वेट बढ़ेगा और अगर आप इसी के मुताबिक चलते हैं तो आपका वेट जो है वो लूज़ होगा इस ऐप के थ्रू। और इसी तरह आप प्रोटीन भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोटीन, मुझे 65 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना होता है, लेकिन अभी मुझे 26 ग्राम हुआ है, तो प्रोटीन मैं ले चुकी हूँ, बाकी पूरा करना होगा डिनर वगैरह तक। मतलब फैट्स 43 ग्राम लेने मैंने और ये 15 ग्राम जो है मैं ले चुकी हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईजिली मिल जाती है इससे, बहुत हेल्पफुल रहता है ये ऐप, बहुत अच्छा ऐप है। और ऊपर जो है ये आपको जितनी भी आपने पर डे कैलोरीज लेनी होती हैं, आप कितना खा चुके होते हैं अगर आपने एंट्रीज की हुई हैं फूड की, तो ये माइनस कर करके बताता रहता है। तो मैंने भी सिर्फ ब्रेकफास्ट और जो है लंच का किया एंट्री, तो बाकी रिमेनिंग जो है कैलोरीज मेरी ऊपर नज़र आ रही है शो ये वाली। तो बहुत अच्छा ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें और आप इसको ऐप स्टोर पर जाके या गूगल स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैंने लिंक जो है अपनी रीसेंट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये सारी एंट्रीज जब आप कर लेंगे डिनर की, लंच की, ब्रेकफास्ट की, स्नैक की और वाटर इंटेक की, इसके एंड में जो एक ऑप्शन होगा कंप्लीट डायरी का, आपने इस पर क्लिक करना है। और मेरा तो अभी कंप्लीट नहीं हुई डायरी पूरी, तो वो आपको फिर एंड पे इसका रिजल्ट बताएंगे कि आप इतने वीक्स में इतना वेट कम कर सकते हैं। एंड पे ये भी बताएंगे अगर आप इसी ट्रैक पे चलते रहें कितनी कैलोरीज आपको बताई गई। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, तो इसको यूज़ कीजिएगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।